अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम जहां जहां जाना चाहते थे, नारिस्तान जाना चाहते थे, नागवल जाना चाहते थे और भी कई इलाकों में जाना चाहते थे, हमें वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे नहीं मालूम क्यों इजाज़त नहीं दी गई। और यहां जहां तक त्राल का सवाल है, पूरा त्राल का इलाका इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और आज आपने देखा जिस तरह इन्होंने इस्तकबाल किया है। ये लोग समझते हैं कि जब यहाँ बहुत मुश्किल हालात थे तब पीडीपी वो वाहिद जमात है जिन्होंने उस वक्त इनका साथ दिया। इनको पोटा हो, टास्क फोर्स हो, इखवान हो या आर्मी का जो जुल्म है और जो मिलिटेंट की बंदूक से अगर किसी जमात ने इनको निकाला है तो वो पीडीपी है। और तरक्की के हवाले से भी, चाहे सड़कें हों, चाहे दूसरे मामलात हो, चाहे यहाँ एडीसी का ऑफिस हेडक्वार्टर बनाना हो, चाहे आपका अवंतीपोरा का जो आपका एम्स हो, यूनिवर्सिटी हो, इस इलाके की तरक्की में हमने बहुत कम अरसा रहा है। मुफ्ती साहब 3 साल वज़ीर आला और गांव-गांव में रहबर तालीम, तो ये समझते हैं उस लोग को, उस कुर्बानी को समझते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का जो साथ पहले भी पीडीपी के साथ रहा है और